नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। बाइक चोरी का बड़ा गैंग पकड़ा गया है। आपको बता दें कि लगातार बाइक चोरियों की ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सदर क्षेत्र के सीओ सिटी ने एक चोर को पकड़ लिया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। यह लोग हॉस्पिटल, बारात घरों के सामने से बाइकों को चुरा कर उन्हें कटवा कर बेचा करते थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक एसपी मनोज कुमार सोनकर ने खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं जब उनसे आरोपियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वह साइकिल से यहां आया करते थे। और मेरी गाड़ी गांधी स्टेडियम के सामने मेले में गया था, 10 मिनट के अंदर गाड़ी चोरी होगी। उसके बाद मैं 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर की गाड़ी आई। उसके बाद हमें सुनगढ़ी थाने ले गई, वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन दी। उसके बाद कहा कि कोतवाली में आपका क्षेत्र पड़ता है, तो कोतवाली में हमने FIR दर्ज की। उसके बाद मैं कई बार कोतवाल साहब से फ़ोन करके मालूम करता कि गाड़ी मिली कि नहीं, बोले मिल जाएगी तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। आज मुझे दोपहर को कॉल आया, पुलिस घर पे पहुंची थी इंक्वायरी के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी गाड़ी खो गई, मैंने जी सर। फिर बोला कि आप गाड़ी वहाँ से सुनगढ़ी थाने से लीजिए। वहाँ पर जब पहुंचे हम सुनगढ़ी थाना, तो वहाँ से बोला कि सिविल लाइन में आपकी गाड़ी है, वहाँ से आप ले लीजिए। पुलिस की कार्यप्रणाली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पुलिस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। वाहन चोरी की कई घटनाएं हुई थी, इस सिलसिले में पीलीभीत पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया। एडिशनल SP रोहित मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर धर्म सिंह मार्शल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। प्रभारी सर्विलांस सेल व प्रभारी क्राइम ब्रांच इसी टीमें मिलकर के और थाना अध्यक्ष सुनगढ़ी टीमें मिलकर के अंतर्राज्यीय जो सक्रिय वाहन चोर थे अली हसन व उनके साथ ही आबिद और नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशादेही पर लगभग 20 गाड़ियां और एक कटी गाड़ी बरामद की गई है। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, उसको सक्रिय किया गया है और 5 गाड़ियां इस जनपद से कनेक्ट की हुई है, जो विभिन्न सेंटर थे, महत्वपूर्ण सेंटर हॉस्पिटल थे, वहाँ से उठाई गई है। उनके परिवारजनों को भी सूचना दी गई है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए जो हमारी SWAT टीम है, सर्विलांस टीम है, उनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। साथ ही साथ जो अभी जो लोकल है, स्थानीय है, जो फरार हो गए हैं, जिनको हम अभी नहीं पकड़ पाए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम बना दी गई है। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके और उनकी निशादेही पे जो गाड़ियाँ अन्य चोरी इस गैंग ने किया है, उसकी भी बरामद की जल्द से जल्द सुनिश्चित की। चोरी करके क्या करते थे गाड़ियों? चोरी करके 3,000 से 5,000 रुपये में ये जो नेपाल राज्य है वहाँ भी ले जा करके बेचते थे और साथ ही साथ में इस जनपद के बाहर दूसरे जनपदों में भी 3,000-5,000 रुपये में गाड़ियों की बिक्री करते थे। इनके पास एक चाबी बरामद हुई है, उस चाबी की मदद से, ये बड़ा एक्सपर्ट गैंग है, बहुत आसानी से उन गाड़ियों का जैसे ही वादी छोड़ करके अंदर जाता था तुरंत खोल लेते थे डुप्लीकेट चाबी से और फिर उसको लेकर के फरार हो जाते थे। CCTV फुटेज भी इस चीज़ की गवाही देता है कितनी बारीकी से, कितनी सावधानी से, कितनी सतर्कता से, एक तरह से आँख में काजल निकालने जैसा अपराध इन लोगों द्वारा किया जा रहा था। और इनका गैंग लीडर जो अली हसन है, इसने पूछताछ में भी बताया कि मैं और भी मेरे साथ लड़के हैं, उनको मैं ट्रेंड करने का विकार करता था। इस तरह से बहुत ही साथी गैंग है जो कि बहुत दिनों से चोरी की घटना को, वाहन चोरी घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस इसको पकड़ने में सफलीभूत रही है, इसीलिए पुलिस दल को 10,000 रुपये के लिए पुरस्कृत किया गया है। हमारे साथियों की तलाश के लिए भी लगातार दबिशें दी जा रही है। विदिशा जिले के गंज बासौदा तहसील के तिरंगा चौक बॉम्बे विलास ढाबे पर खाना खाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक के जन्मदिन की पार्टी मनाने ढाबे पर अपने दोस्तों के साथ गया था। वहीं कुछ अन्य लोग भी खाना खाने वहां पर आए हुए थे। खाना खाते समय घूरने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिससे वहां विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद वहां से मृतक के साथ उसके 2 अन्य साथी भी साथ में थे, जिनको चोट लग गई थी, जिसका इलाज कराने रात
करीब 11:30 बजे वह शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय के सामने एक निजी मेडिकल पर इलाज करा रहे थे, तभी वहां से 3 आरोपी स्कूटी पर सवार होकर वहां आए और बगैर कहा सुनी के सीधे मृतक अंशुल शर्मा के सीने में गोली दाग दी और 2 लोगों को छुरी से हमला कर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोड पर बम भी लगा था, दोस्तों के 2 ग्रुप खाना खाने गए, एक में अंशुल शर्मा और सभी वो लोग पीछे से आए, फिर उसने चोकू वगैरह में फायर कर दी और अंशुल शर्मा को गोली दी और उसकी मृत्यु। तीनों आरोपियों के विरुद्ध 3 से 2 पुलिस का प्रकरण पंजीकृत, आरोपियों की तलाश। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।